हेलो एवरीवन, हैप्पी तीज। और तो यहीं पे ये सिंधारे वाले दिन का ब्लॉग है, मतलब 31 दिन पहले पापा जी ले आए थे मीठी पपड़ी, बेटे की मिठाई और घेवर। और मतलब तब तक हस्बैंड की तबीयत ठीक थी बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ना, उसी दिन मेहंदी भी लगाई मैंने बेटी को, वो ठीक ठाक ऑफिस गए थे। जब तक उन्हों दर्द, मतलब उनको नहीं था दर्द, वो इंजेक्शन लगवा के गए थे, उनको हल्का हल्का दर्द था तो वो ठीक थे। तो यहाँ पे मैंने बेटी कह रही थी मम्मा मेहंदी लगा दो, तो मुझे ऐसी मेहंदी लगानी आती है बस, तो बस मैंने ऐसी लगा दी है इसको, खुद भी लगाई थी मैंने। मैंने कहा तीज है तो भाई मेहंदी लगा लेते हैं, शगुन होता है मेहंदी का। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको लगा दी, ये सो गई थी। और यहाँ पे हम सीरियल देख रहे थे खतरों के खिलाड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग सो गए थे, हस्बैंड आए 12 बजे। तो 12 बजे वो 12:30 बजे आते हैं ऑफिस से नाइट में, तो वो उनको दर्द था पथरी में, फिर से उनको दर्द होने लगा। तो बोले कि 10:30 बजे ही स्टार्ट हो गया था दर्द, तब से मैं परेशान था। फिर वो 12:30 बजे आने के बाद 1 बजे इंजेक्शन लगवा के आए, तो इंजेक्शन लगवाने के बाद उनको आराम नहीं हुआ बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। लेकिन अभी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मस्ती भी आप देख सकते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हैप्पी तीज। तो आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना बाबू? और ये तीज आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, मेरे भी जीवन में। और ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, 6 बजने वाले, 6:15 हो रहे हैं। तो आज मन थोड़ा सा, मतलब परेशान सा है, इसलिए है ना, क्यों परेशान है आप बताओ? आप भी कह दो हैप्पी तीज, बोल दो, बोल दो, जल्दी बोलो हैप्पी तीज। तो आज इसलिए परेशान है मन, क्योंकि इसके पापा की जो है ना तबीयत ख़राब है। आज वो रात से ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आज मन थोड़ा सा, मतलब मन लग भी नहीं रहा और मन कुछ और नया करने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन त्यौहार है तो करना तो पड़ता है। वैसे उनकी तबीयत, मतलब उनको पथरी का दर्द उठ गया था रात में, वो 2-3 दिन से परेशान थे, लेकिन आराम हो रखा था। यहाँ पे वो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आ रहे थे, तो उन्हें आराम हो रहा था, लेकिन कल उनको इंजेक्शन से भी आराम नहीं हुआ, क्योंकि वो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। और रात में वो पहले 1 बजे यहाँ पे इंजेक्शन लगवा के आए यहाँ डॉक्टर से, और उसके बाद भी उन्हें आराम नहीं हुआ। तो वो 3 बजे, मतलब 3 बजे तक उन्होंने देखा कि आराम नहीं हो रहा है, तब जाके जो है ना वो रेवाड़ी गए, पापा जी लेकर गए उन्हें। और अभी भी पापा जी उनके साथ हैं, तो वो एडमिट हैं रात से ही। तो अभी देखते हैं, 1 दिन में आते हैं या 2 दिन में आते हैं, जैसा भी होगा आपको बता दूंगी, लेकिन वो वाली बात नहीं है, बस आपको पता ही है। तो अभी उनको ठीक है, मतलब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है पहले से। वो रात में उनको और उनको इतनी उल्टियाँ लग रही थी ना, बस आपको क्या बताऊँ, देख देख के ना मेरा भी बहुत परेशान हो गया था मन। चुप। तो उनको देख देख के ना मेरा भी मन बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे थे वो ऐसे। तो अभी उनको आराम है, काफ़ी ज़्यादा आराम है, चेकअप हुआ है। तो उधर इसकी हरकत आप देख लीजिए, क्या करती रहती है ये। तो उसकी वजह से उनकी कमर में फ्रैक्चर आ रखा था ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, इस वजह से वो ज़्यादा परेशान थे। मम्मा, तो ठीक है, वो अगर 2 दिन रहेंगे तो अच्छे से चेकअप वगैरह हो जाएगा, तो फिर आ जाएंगे घर। तबीयत उनकी ठीक है तो मैं खुश हूँ। बातें करनी है उनसे कई बार, लाइक करना, और क्या करना, लाइक करना बता दो, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना, बोलो जल्दी बोलो। और मेहंदी आपने देखा, जैसे कि हमने रात ही लगाई थी, और मुझे इसके हाथों को देखो, अच्छी है,
अच्छी है ना। तो तेल भी लगाया है तो मुझे जैसी मेहंदी आती है वैसी मैंने लगा दी थी बेटू को, और मैंने खुद भी लगाई थी। ये देखिए चूड़ियाँ भी चेंज की हैं आज, ये ग्रीन वाली पहनी है। ठीक है, तो साड़ी भी मैंने नहीं पहनी है ऐसे, तो मतलब बिल्कुल सिंपल साड़ी। साड़ी मतलब मायके से ही मिली थी मुझे। ब्लाउज अभी स्टिच नहीं किया है, तो मैंने अभी जो है ना ब्लाउज दूसरा पहना हुआ है मैचिंग करके। तो तब तो ऐसा, और कल सिंधारा था तो पापा जी जो है ना शाम को ही घेवर ले आए थे, पेठे की मिठाई ले आए थे और पपड़ी ले आए थे, जैसा कि आपने देखा वीडियो में। तो आज है तीज, हरियाली तीज, सबने ग्रीन 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 पहना है। बस इसके पापा हॉस्पिटल में, थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जैसे कुछ वो होते ना लाइक घर पे तो कहते ये बना लो वो बना लो, संडे भी तो है ना आज, इसीलिए। तो कोई नहीं, ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है, अंदर को गंदी अंदर। और आप लोगों की कैसी रही तीज वो भी मुझे बताना। पापा जी कहाँ हैं? पापा जी दिखाना बेटा अपनी मेहंदी, दिखाना सर, और बहुत ही दिखाओ दोनों हाथों को। ये देखिए कुल मिला के मतलब सही लगा देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और कल जो है ना ये स्कूल में भी लेकर गई थी। मैं भी स्कूल जाती हूँ। स्कूल जा, हाँ आप भी स्कूल जाते हो क्या? क्या पढ़ते हो आप स्कूल में फिर? पढ़ाई? अच्छा क्या पढ़ाई करते हो स्कूल में? अच्छा बच्चे खेलने आते हैं स्कूल में। अच्छा चॉकलेट दी मैम ने, अरे वाह। चलो अब डांस करके दिखा दो एक बार, मैंने चूड़ी है खनकाई, जल्दी करो। और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होने गए, क्योंकि 3 बजे चले गए थे वे, तो उनको जाते ही जो है ना आराम हो गया था, क्योंकि फ़र्क होता है ना कि भाई एक गांव का डॉक्टर हो और एक बड़े डॉक्टर की बात होती है हॉस्पिटल की पूरी, तो मतलब फ़ायदा होता है दवाइयों में भी, इंजेक्शन में भी फ़ायदा होता है। तो वो जाते ही जो है ना ठीक हो गए बिल्कुल, उनका दर्द बिल्कुल से गायब हो गया। लेकिन छुट्टी नहीं देते हैं ना वही है ना, जब एडमिट हो जाते हैं तो वो 2-3 दिन जो है ना रखते ही हैं हॉस्पिटल में। तो वो 3 दिन में आए थे घर, फिर उन्होंने पूरा सप्ताह जो है ना ऑफिस से ऑफ लिया था। तो अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे चल रही है इसकी मस्ती। तो बोले कि ठीक हूँ मैं बिल्कुल से, तो मन ठीक हो गया था मतलब। पर फिर भी वही रहता ना कि भाई त्यौहार है और हस्बैंड हॉस्पिटल में है, पापा जी भी नहीं हैं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, और चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। और त्यौहार था तो ये भी अपना ही वो होता है कि भाई हाँ अच्छे से हम मनाएं त्यौहार। हाँ हस्बैंड होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पापा जी होते तो, और वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे, पापा जी उनके साथ थे, क्योंकि साथ होना ज़रूरी था इसलिए। और आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो भी ठीक है। आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, तो थैंक गॉड। क्या हो रहा है, ढोलक बज रही है क्या? बेड को ही इसने ढोलक बनाया हुआ है। ये देखिए, तो यहीं पे जो है ना ये शाम का टाइम हो गया था, मतलब रात का ही टाइम था। तो वही है ना भाई, त्योहार है तो मनाना तो होगा ही, मन चाहे कैसा भी हो, पर वही है ना बच्चे हैं तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। लेकिन पापा जी भी नहीं थे, हस्बैंड भी नहीं थे, तो मन बहुत मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि ऐसे कुछ भी करूं। पर मम्मी जी बोली कि त्यौहार है तो
ऐसा थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं। तो घर में जो चीज़ थी मैंने उसी जैसे पकौड़ियाँ बना ली थोड़ी सी। तो देवर जी जो बुआ जी के बेटे आए हुए थे तो वो भी आ गए थे, तो मैंने कहा भैया जरूर पकौड़ियाँ खा के जाना। तो मैंने जवे भी बनाए थे मीठे, और क्योंकि मेरे बच्चों को वो भी खाने थे। तो यहाँ पे मैंने जो बिना आलू की सिंपल पकौड़ियाँ बनाई थी वो बेटियों के लिए थी। मेरी बेटियाँ कम खाती हैं, ये आलू की प्याज की नहीं खाती हैं। और ये प्लेट मैं लेके जा रही हूँ भैया के लिए, वो अभी आएंगे, अभी वो बाहर गए हैं। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, तो इनको ऐसी सिंपल पकौड़ियाँ अच्छी लगती है। और मम्मी जी के लिए भी मम्मी जी के लिए भी प्लेट मैंने लगा दी है, तो मैं मम्मी जी को भी दे आऊँगी। तो मैंने जवे बनाए थे और आलू प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी, और यही था शाम का हमारा खाना, मतलब त्यौहार था इसलिए। तो यहाँ पे मैं सारी पकौड़ियाँ सेक लूँगी और मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो अभी जो है ना बच्चे छोटी बेटी को नहीं सुलाया मैंने, तो सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। बड़ी बेटी जो है वो भी सो गई है, और अभी मैं प्रेस वगैरह करके आई हूँ बेटी की ड्रेस पे, क्योंकि हस्बैंड तो अभी ऑफिस नहीं जाएंगे, तो उनकी ड्रेस पे नहीं किया है मैंने प्रेस, कल करूँगी क्योंकि परसों उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। और उनसे भी बातें हो गई थी, उनकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो रहेंगे कल और परसों डिस्चार्ज होके आएंगे घर पे। तो छोटी वाली नहीं सोई है, वो उसको सुलाऊंगी। और आप चेहरा देखिए कैसा हो रहा है एकदम से। तो अभी जो मैंने वॉश नहीं किया है, अभी मैं सोने से पहले एक बार वॉश ज़रूर करती हूँ चेहरे को, और जिस दिन नहीं करती मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं वो फेस वॉश से मतलब चेहरा धुलती ज़रूर हूँ, और उसके बाद जो है एलोवेरा जेल लगाती हूँ, तब जाके मुझे चैन पड़ता है। तो अभी जो है ना ब्लॉग का मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड गुड नाइट।